हेलो दोस्तों, मेरा नाम चाय, वेलकम टू भारतीय रेल वर्ल्ड को। आज काफ़ी टाइम के बाद लेट पोस्ट है, लेकिन एक पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ मुंबई की सबसे एडवांस मेट्रो सिस्टम के बारे में, एक्वालाइन 3। तो एक्वालाइन 3 का प्रोजेक्ट ऐसा है विच इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड माइलस्टोन कनेक्टिविटी के साथ। और ये जो पीछे आप मेरे ऊपर वाला देख रहे हैं, ये पिंक लाइन है जो लोखंड वाला या स्वामी समर्थ मार्ग जोगेश्वरी वेस्ट से विक्रोली तक जाएगी, विक्रोली ईस्ट तक जाएगी, जो पवई से होके जाएगा। और ये जो है, ये वाला मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है RA JVLR। ये JVLR रोड से कनेक्टिविटी वाली रोड है, आपको सामने ही बताता हूँ। ये देखो, ये JVLR यानी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड है जो पवई से होके जाता है, और इसकी कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है ये स्टेशन। ये पूरे मुंबई में एकमात्र ऐसा मेट्रो स्टेशन है, ग्रेड कहा जाता है उसको, एड ग्रेड पर है, यानी जो जैसे लोकल ट्रेन का कैसे ज़मीन पर रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, वैसे ही ऐसे लेवल पर बना गया है ये मेट्रो स्टेशन। बाकी मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं कि अंडरग्राउंड होंगे, आगे आने वाले स्टेशनों में जो हम ट्रैवल करने वाले हैं वो सब अंडरग्राउंड रहेंगे, सिर्फ यही एकमात्र स्टेशन है जो एड ग्रेड पर रहेगा, ज़मीन पर रहेगा, और बाकी सब रहेंगे एलिवेटेड एज द रेस्ट ऑफ द लाइन्स। ब्लू लाइन हो गया, देन रेड लाइन और येलो लाइन, ये सब एलिवेटेड है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर बहुत ही एक नंबर की सुविधा है, 8 डब्बे की मेट्रो आप देख सकते हैं। और ये मेट्रो हमारे सामने ही आ रही है, अरे आ गई। वन ऑफ दी हाईटेक। और ये जो डब्बा है ये बनाया गया है अल्स्टॉम द्वारा, बेसिकली जो है गांव है वहाँ पे बनाई गई है ये हमारी मेट्रो। पूरा 8 डब्बे की गाड़ी है, इसका रिजर्व के बारे में हम बहुत ही जल्द इसके बारे में जानकारी देंगे, और बाकी सुविधा देख लेते हैं। मुंबई की पहली भूमिगत ट्रेन, डब्बे का क्लास देखिए, ये देखिए काफ़ी एडवांस कोच है, दरवाजे का लेंथ देखिए, इंडिकेटर्स देखिए, बहुत सबसे वाइड एंगल्स में से एक, सीट्स एकदम एलिगेंट, काफ़ी कंफर्टेबल माना जाता है, मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स, एंड इंडिकेटर्स आर वेरी हाई टेक। दिस इज़ ऑल डेवलप्ड बाय अल्स्टॉम इंडिया। इमरजेंसी गेट्स आर बी प्रोवाइडेड एट द, और ये रिजर्व है, और कोच का एंड देखिए, पूरा एंड घूम करके बताता हूँ, इतना लंबा कोच। इसकी मेट्रो जैसे रखी गई है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी काफी, और ये है अपना RA डेपो, सेना खड़ी है, पड़ी है, और फौज रणभूमि भी तैयार है, छोटे छोटे से काम है, बाकी सब तैयार है, और अभी हम चल जमीन के अंदर से जाने वाले हैं। और ये मेट्रो चल पड़े नीचे, कोई भी चल दिशे में अपन निकल आ रहे हैं, इस तरफ अपने दे ही दिया नीचे। यहाँ से कनेक्टिविटी है
फॉर ब्लू लाइन, मुंबई ब्लू लाइन, जो वर्सो और घाटकोपर से कनेक्टिविटी है। और अभी अगला स्टेशन है CSMI, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। पहले क्या करना पड़ता था आपको, ब्लू लाइन से एयरपोर्ट रोड उतरना पड़ता था, फिर रिक्शा, फिर तब जाके आपको एयरपोर्ट उतरना पड़ता था। बट बिकॉज ऑफ दिस एक्वा लाइन नाउ यू कैन गेट डाउन एट मरोल नाका, देन आफ्टर यू विल गेट द एक्वा लाइन एंड डायरेक्ट एंड वोला वी हैव अ टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 1 इनसाइड द ट्रेन। डायरेक्ट कनेक्टिविटी, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट जा सकते हैं इस मेट्रो से। और इसका स्टेशन यहाँ पे आएगा सबसे ब्यूटीफुल स्टेशन में से एक है। ये देखे स्टेशन का लेवल, देखे सबके लेवल निकलेंगे, एक एक बहुत ही हाई कनेक्टिविटी। थोड़ा सा ही दूर रह गया, अभी कुछ मीटर से दूरी पर आ गई है ये स्टेशन। और अब बहुत ही अच्छे से बीकेसी मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेन सब ऐसे स्टेशन नहीं है, कुछ कुछ इस तरफ बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया हुआ है। T2 होम डिपार्ट हो चुकी है, रोड जो सेंटर टू के लिए अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि आप ए लाइन में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कोटक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की गाड़ी पूरी जाना नहीं। मुंबई मेट्रो लाइन 3 मध्ये प्रवास केल्याबद्दल धन्यवाद। कृपया आपला सामान सोबत घेऊन जाण्यास विसरू नका। यह गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मुंबई मेट्रो में यात्रा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म और इन फ्यूचर ये हो जाएगी मुंबई दिशा की ओर, और ये जो स्टेशन है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये हो जाएगी अपनी। और ऐसा नहीं है कि, और यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे भी 3 प्लेटफॉर्म है जो उसको और बड़ा बनाती है। वन ऑफ दी हाई क्लासिक हाई प्रोफाइल एरिया है वीकेसी। ये देखें 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वैसे ही, जैसे काफ़ी हाई लेवल के और भी मेट्रोस। और यहाँ पे कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर दी, बताई गई है कि आप किस तरह से कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वाली बन जाएगी मुंबई की दिशा में प्लेटफॉर्म नंबर 3, और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वो टर्मिनेशन वाला हो जाएगा। यहाँ से JVLR, ये JVLR से यहाँ से BKC टर्मिनेट वाली भी ट्रेन आपको देखने मिल सकती है इन फ्यूचर। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, 3 प्लेटफॉर्म है इस बार।
here this has been provided. All the instructions has been provided over there. And station, look at the gigantic. This is the one of the gigantic concourse area ever in Mumbai. सबसे बड़ा कॉन्कोर्स लेवल पूरे मुंबई का. और ये देखें, ये वही स्टेशन है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से इनॉग्रेट किया था. इसकी इतिहास गाथा बताएंगे कि ये कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड कैसी हुई. कुछ मास्टरपीसेस, कुछ टनल रन थ्रू इस तरह से बनाए. काफ़ी मैप, ये काफ़ी आप रोड मैप देख सकते हो, छोटी सी रोड मैप. ये है CSMT मेट्रो स्टेशन का रोड मैप जो डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जोड़ने वाली है. और मैं आपको कुछ उंगलियों से मैं बताने वाला हूँ कि कैसे होने वाला है. ये जो आप एक छोटा सा ब्लॉक जो वाइट देख रहे हैं मेरे ये सामने, ये BMC ऑफिस रहेगा. और इसके ठीक सामने रहेगा ये एंट्री और एग्ज़िट. फिर काफ़ी ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर रहेंगे ताकि मेट्रो स्टेशन को अंडरग्राउंड में वेंटिलेशन मिलती रहे. और ये एक नगरपालिका मार्ग है, ये कामा हॉस्पिटल और सेंट जेवियर के जैसे लैंडमार्क्स होएंगी. और नीचे रहेगा इसका कॉन्कोर्स, जो सबसे ऊपर वाला है वो कॉन्कोर्स. और नीचे रहेगा प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म इसके रहेंगे आइलैंड. आइलैंड का मतलब है कि दो ट्रैक के बीच में प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर पूरा. और ये है अगला और ये धारावी मेट्रो स्टेशन. ये मीठी नदी के बगल से जाने वाली पूरी मेट्रो स्टेशन रहेगी. इनके बगल में बनाया गया है ये मेट्रो स्टेशन. और BKC से आप कनेक्टिविटी हो सकती है डायरेक्ट. ये पहला एकमात्र ऐसा स्टेशन होगा जो नदी के बगल से बनाया गया है. जो ये है MIDC स्टेशन, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो स्टेशन. और मेट्रो स्टेशन भी कुछ ऐसे रहेंगे, ये भी एक आइलैंड बेस्ड स्टेशन रहेगा. और ये है द वन मास्टरपीस, ये है आरे, या फिर कह सकते हैं RJVLR कारशेड. और इसके आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये RJVLR मेट्रो स्टेशन. और इसके पीछे है ये आरे रोड, ये एक्स रोड. तो ये तो है ऑब्वियसली, ये यार्ड के कनेक्टिविटी है, पर इसके ठीक पीछे ही रहता है आरे रोड. और काफ़ी हद तक ये 15-20 और ट्रेन के कैपेसिटी के लायक ये और हो जाएगी, स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो स्टेशन. और ये एकमात्र ऐसी मेट्रो स्टेशन है जो एट ग्रेड है, जो ज़मीन पे रहने वाली है. आरे कॉलोनी बोल सकते हैं, RJVLR भी कह सकते हैं. और ये देखें कि मेट्रो कनेक्टिविटी कैसी है, ये इस तरह से कनेक्ट हो रही है. काफ़ी माइलस्टोन, दिस इज़ द बिगेस्ट माइलस्टोन ऑफ मुंबई, जो कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड कहा जाता है. ये है कफ परेड एट द लास्ट, जो अगले 6 महीने तक ये शुरू हो जाएगा. देन आफ्टर विधान भवन, जो विधानसभा को कनेक्टिविटी, चर्चगेट मेट्रो टू कनेक्ट द चर्चगेट रेलवे स्टेशन. यू कैन सी दिस केयरफुली, हुतात्मा चौक, फ्लोरा फाउंटेन, हुतात्मा चौक. देन आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स विच कनेक्ट द इंडिया हेरिटेज रेलवे स्टेशन. देन आफ्टर कालबा देवी, गिरगांव, ग्रैंड रोड. देन नाना शंकर सिंह मेट्रो, दिस कनेक्ट्स टू द मुंबई सेंट्रल स्टेशन और नाना शंकर सिंह टर्मिनस स्टेशन. देन महालक्ष्मी कनेक्टिविटी विद द मोनोरेल एज वेल, एंड वेल कनेक्टेड विद द साइंस एंड वर्ली, विच कनेक्ट टू द नॉन रेलवे सेक्शन एज द मेन फोकस. देन द सिद्धिविनायक विल बी द मोस्ट डिवाइन कनेक्टिविटी. महालक्ष्मी हैज़ बीन वेल कनेक्टेड. देन आफ्टर शीतला देवी, दादर इज ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद द दादर स्टेशन. सीता देवी विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया एट नियर माहिम एंड माटुंगा. देन धारावी मोस्ट एड वन ऑफ द हाइएस्ट हाई ग्रॉसिंग MSME सेक्टर. देन आफ्टर BKC विच इज नाउ करंटली ऑपरेटेड एंड द टर्मिनल्स ऑफ दिस फर्स्ट फेज. देन कॉलोनी एंड दिस आर द कनेक्टिविटी.
प्रोवाइडिंग बाय द मुंबई एक्वालाइन। और यह है बीकेसी स्टेशन, यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी, हाई लेवल सिक्योरिटी रहती है, ये माहिती, हाई लेवल सिक्योरिटी है, आप यहाँ से बच के नहीं जा सकते। सिक्योरिटी बहुत ही तैनात, बहुत ही मुस्तैद। और दो तरह के हैं यहाँ पे, आप एक अटेंडेंट का टिकट ले सकते हैं, जो रिटर्न में बताऊँगा कि कैसे टिकट लिया जाता है। आप ऐप से भी ले सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर आप मोबाइल UTS से भी आप टिकट प्रिंट करके आप यहाँ से भी आप कर सकते हो। और ये बताते हुए कि किस तरह से टिकट निकाल जाता है, ये रहा, इस तरह से आप टिकट निकाल सकते हैं। आप पैसे भी डाल सकते हैं, स्मार्ट कार्ड भी डाल सकते हैं, ऐसे निकाल के हम टिकट ले सकते हैं। और ये कुर्ला की तरफ जाने वाली ये दिशा, और ये है पूरा रोड मैप, आपको बताऊँगा कि यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। सब्बे म्हणतात यांना, सब्बे म्हणतात, सब्बे म्हणजे जमिनीच्या खालती। और ये है कुछ इसके और कुछ चलतियां, अभी हम जमीन से दूसरे माले के ऊपर हैं, ये उधर हैं। एंड नाउ वी आर राइट सेट। और यहाँ से आप लिफ्ट लेके आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं। अभी शुरू एंड नाउ ऑलमोस्ट वी आर, और हम ऊपर जा रहे हैं ऊपर, और ये आ गए हम ऊपर। ये देखिए है ना, कोटक बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और ये है BKC रोड, डायरेक्ट BKC को जोड़ने वाली ये लाइन। अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये है लाइन 3 का स्टेशन मार्क, यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे स्टेशन है। और ये मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए मैप भी दिया गया है, आप जैसे कि देख सकते हैं। अभी BKC ऑफिस ये रहा हमारा, कोटक BKC कॉम्प्लेक्स। इधर से होते हुए हम जाएंगे वापस, JVLR भी जा सकते हैं, पर हम टर्मिनेट करेंगे मरुल नाका की ओर, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी होती होगी अंदर ही। फिर यहाँ से हम रेलवे स्टेशन, रेलवे से भाईंदर, तो इस तरह से है। और ये IT ऑफिस को कनेक्टिविटी करने वाली है ये येलो लाइन, जो अभी इसका काम चालू है, अभी काम चालू है। येलो लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन अंधेरी वेस्ट से चालू है, वर्सोवा से घटकोपर पूरी ब्लू लाइन। फिर एक्वा लाइन अब शुरू हो गई है फेज़ 1, गुंडौली से चालू है ये, गुंडौली से दहिसर ईस्ट रेड लाइन। तो ये कनेक्टिविटी ये हो गई हमारी मुंबई माला, BKC तक कनेक्टिविटी हो गई है। अराउंड ये हो गई है 154 किलोमीटर्स का रेंज। तो ये मुंबई जो प्रॉपर कलर में है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मेट्रो, ऑपरेशन है इतना। और भी आने वाले 5 साल में ये और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। और इसको कैसे बोल सकते हैं, ये है मोनोरेल, पूरी लाइन ओपन है, पर ये काफ़ी कनेक्टिविटी के बाद ही इसको और जान मिलेगी। सो ये था मेरा जर्नी एक्वा लाइन के लिए। सो काफ़ी बोल सकते हो फेज़ 1 बहुत ही हाईली कनेक्टिविटी है और हाईली कमर्शियल एरिया। मरुल नाका से आप यहाँ से BKC भी आ सकते हैं। तो एंट्री और एग्जिट कुछ इस तरह से देखेंगे। और ये मेरे सामने भी आप ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एंट्री एग्जिट इस तरह से अलग अलग बनाए जाते हैं, दैट्स इट। और अभी तो और सब नया नया है, और जल्दी यहाँ पे बहुत कुछ कनेक्टिविटी देखने मिल सकता है जैसे जैसे। और भी फेज 2 खुलेगा तो ये और भी
काफ़ी बहुत ही मददगार साबित होगा मुंबई के लिए। और बाकी वीडियोस के लिए आप ज़रूर हमें भारतीय रेलवे का फॉलो ज़रूर कीजिए, और ऐसे माइलस्टोन में आपको बताते रहूँगा और भी ऐसे ट्रेन अपडेट्स, मेट्रो अपडेट्स, और इस तरह से मास्टरपीस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिटी को कनेक्टिविटी करता है, जो रैपिड ट्रांजिट है, इसके लिए भी अभी हम और उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे।